Hi everyone, press the bell icon for latest updates and subscribe to the channel. सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जफर स्टूडियो में, जहां पर कॉन्सेप्ट्स और डिमांड आपकी होती है और फूड एडिटिंग मेरी। दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट है ये है पेपर बैकग्राउंड के ऊपर, यानी न्यूज़पेपर बैकग्राउंड के ऊपर, जहां पर मैंने थोड़ा सा फायर इफेक्ट भी ऐड किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, इन सारी जगहों पर शेयर कीजिए वीडियोस को, और जल्दी से मेरा 50K सब्सक्राइबर का जो सपना है उसको पूरा कीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बैकग्राउंड इन PNG को लेकर बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो बैकग्राउंड इन PNG का जो डायरेक्ट लिंक होता है मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आज वीडियो अपलोड किया, कल आपको शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक करीब उस टाइम तक मैं आपको जो कमेंट में होगा गूगल ड्राइव का डायरेक्ट लिंक पिन कर दूंगा, जिससे आप सबसे पहले देख पाओगे कमेंट सेक्शन में। और जिन लोगों को उसी दिन डाउनलोड करना है जीपी लिंक से, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये वीडियो देखिए, मैंने इसमें बताया किस तरह से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, बैकग्राउंड इन PNG डाउनलोड करने के लिए आप मेरा कोई भी एक वीडियो पिन कर लीजिए, राइट साइड में एक एरो होगा उस पर क्लिक करते ही आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड बैकग्राउंड इन PNG, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आपका कोई भी मन पसंदीदा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। मेरा UC ब्राउज़र ओपन होता है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करने के बाद मेरा एक ब्लॉग ओपन होगा, यहाँ पर आपको पोस्ट दिखेगा और नीचे लिखा होगा डाउनलोड बैकग्राउंड इन PNG। बट अगर आप UC ब्राउज़र चलाते हैं खास करके, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एड्स ऑन में, यहाँ पर ऐड ब्लॉक होगा, आपको इसको ऑफ कर देना है। अगर ऑन रहेगा तो ऑरेंज दिखेगा, अगर ऑफ रहेगा तो आपको ग्रे कलर का दिखेगा। इसके बाद आपको सिंपली बाहर निकलना है, यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड बैकग्राउंड इन PNG पे। इस पर क्लिक करते ही GP लिंक ओपन होगा। GP लिंक बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको सिर्फ वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर इंटरफेस नज़र आएगा, इस तरह का जो इंटरफेस नज़र आएगा आपको क्या करना है, सिर्फ स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा और उस पर क्लिक करना पड़ेगा और लिखा होगा आई एम नॉट ए रोबोट। अगर ये नहीं मिलता है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत सारे लोगों को ये क्लिक करने के बाद एक कैप्चा आ जाता है कि आपको स्टोर का फ्रंट चूज़ करना है। फ़ोटो में 6-9 फ़ोटो होगा, उसमें 3 फ़ोटो होगा कि जिसमें आपको कार का सामने का बैकग्राउंड चूज़ करना है, ये सारा चीज़ करना होगा। ये करने के बाद आपका चेकबॉक्स पर क्लिक हो जाएगा, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और कंटिन्यू पे सिर्फ क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, इसके बाद आपको सिर्फ सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको टाइमर दिखेगा, आपको 15 सेकंड का टाइमर दिखेगा, अगर आप वेट करते हैं तो नीचे में यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए ग्रीन कलर का प्लीज़ वेट लिखा हुआ है। जैसे ही वो टाइमर कंप्लीट होता है आपको यहाँ पर गेट लिंक आ जाएगा। गेट लिंक पर क्लिक करते ही आपका एक नया टैब ओपन होगा, बट आपको क्या करना है, आपको पुराने टैब में वापस जाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं टैब पे क्लिक किया, ये पुराना टैब आ गया मेरा, मैं इसको काट देता हूँ। तो देखिए, ये आपका बैकग्राउंड इन PNG है। आई होप आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे और मैं जल्दी इसका सोल्यूशन खोज लूँगा। सो गाइज, आपको यहाँ पर करना ये है कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना, यहाँ पर आपको फुल HD का एक पेपर बैकग्राउंड मिल जाएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खुद से बनाया है। इसके बाद आपको जाना है ड्रॉ टूल में, इसके बाद आपको ड्रॉ टूल का जो पहला लेयर होगा इस पर अपना मॉडल पेस्ट करना है। तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ, ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से अपना मॉडल चूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखिएगा हाउ टू इरेज बैकग्राउंड लिखा होगा, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। फाइन, इसके बाद आपको करना ये है कि आपको एक एम्प्टी लेयर, खाली लेयर लेना है, बैकग्राउंड और मॉडल दोनों के बीच में रखना है। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, शैडो बनाना है, तो हम इसे जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हमें पैरों के पास थोड़ा साइड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ब्रश ले लेना है, ब्रश का पिक्सल का साइज थोड़ा सा 60% के बीच में रखूँगा और यहाँ पर थोड़ा अच्छे से यहाँ पर नॉर्मली ड्रॉ करके मैं क्या करूँगा, एक शैडो बना लूँगा। तो देखिए, यहाँ पर शैडो बन चुकी है। अब इसका जो ओपेसिटी होगा वो आपको 70% रखना है। फाइन, इसके बाद आपको क्या करना है, सब फोटो को, पूरे फोटो को मर्ज कर लेंगे। ओके, इसके बाद फिर से एक एम्प्टी लेयर, खाली लेयर लेंगे और इसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। ठीक है, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये एक PNG मिलेगा, यहाँ पर पेपर्स का PNG है, कुछ बर्निंग है, कुछ विदाउट बर्निंग है। ओके, तो यहाँ पर ये पेपर का एक इफेक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐड कर देना है। इसके बाद आपको सारा फोटोज़ को मर्ज कर लेना है। यहाँ मैं 3 डॉट में जाकर देखिए बैकग्राउंड तक को मैंने मर्ज कर लिया। इसके बाद एक और एम्प्टी लेयर लेंगे,
इसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से आपको जो मिल जाएगा ये फायर जो है, ठीक है, फायर का जो स्पार्कल्स होता है इसका एक पीएनजी मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर पूरी फोटो पे अच्छे से रिसाइज कर लेना है और इसका जो ब्लेंड मोड है हमें स्क्रीन पर करना है। ये रहा स्क्रीन, अब देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इस अब मर्ज मत कीजिएगा। इसके बाद आपको एक और एम्प्टी लेयर, खाली लेयर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, फायर होगा, इस फायर को मैं हाथों के पास लगा रहा हूँ, ओके, जहाँ घड़ी और हाथ है वहाँ पे लगाना है मैं, लेकिन इसका ब्लेंड मोड में कर लूँगा स्क्रीन पे। इसके बाद मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर देता हूँ, फाइन। ये हमारी एडिटिंग कम्प्लीट हो गई, लेकिन लेयर्स को मर्ज मत करना, बार बार बता रहा हूँ लेयर्स मर्ज करना, क्योंकि इससे पूरा फोटो ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट में सिंपली जाकर इस फोटो को सेव कर लेंगे। सेव होने के बाद आपको करना है लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना। तो ये रहा हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन, यहाँ पर फोटो मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको सिंपली जाना है प्रोफाइल में और यहाँ पर आर्टिस्टिक होगा, आर्टिस्टिक 03 इसे सिलेक्ट करेंगे और इसका जो साइज़ होगा करीब 152 के पास रखेंगे, फाइन। तो देख सकते हैं आप कुछ नया इफेक्ट आ चुका है यहाँ पर। और इसके बाद आपको जाना है, जूम करना है फोटो को और सेलेक्टिव टूल में जाना है, यहाँ से ब्रश लेना है हमें, ब्रश का साइज 18-20% रखना है। फेस और हाथ, इन दोनों को हमें क्या करना है, सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है, सिंपली सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो सैचुरेशन होगी उसको डाउन कर देंगे। तो ये रहा सैचुरेशन, मैंने 40% डाउन कर दिया है, फाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाल हो जा रहा था फेस। इसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक आ चुकी है। लाइट में चलेंगे, इसके बाद हाईलाइट यहाँ पर कम करना है, कॉन्ट्रास्ट को कम करना है, शेडो को थोड़ा सा बढ़ाना है और ब्लैक्स को कम कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है कलर में, कलर में कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ विब्रेंस बढ़ाना है। इसके बाद यहाँ जाना है इफेक्ट में, क्लैरिटी बढ़ा लेंगे 18%, उसके बाद DS 16% और विगनेट -14-15 के पास में रखेंगे। इसके बाद शार्पनेस में जाना है, शार्पनेस हमें बढ़ा लेना है और इसके बाद नॉइस रिडक्शन भी बढ़ा लेंगे थोड़ा 23% और कलर नॉइस रिडक्शन भी 23-22 के पास में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग इफेक्ट आ चुकी है। अब इस फोटो को कर लेंगे सेव। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।